हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आगे का स्टेप देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हम कलर यहाँ चेंज कर देते हैं, कलर हम करते हैं रेड। चलो, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शन मोनोमेरिक यूनिट। ओके, अब कंडेंसेशन क्या होता है समझिएगा। ऐसे एडिशन रिएक्शन जिसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे H2O बाहर हो गए, मेथेनॉल बाहर हो गए, या कोई गैस SO2 बाहर हो गए। तो ऐसे एडिशन रिएक्शन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, उसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज गेन ए बाई फंक्शन स्पीसीज एंड सीक्वेंस ऑफ द कंडेंसेशन गोज ऑन। इसलिए क्या होता है, ईच स्टेप प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्ट फंक्शन ग्रुप स्पीसीज एंड ईच इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मीन्स इसका सिंपल मतलब है कि इसमें जो मोनोमर यूज होते हैं वो बाई फंक्शन या ट्राई फंक्शन, मीन्स दो या तीन उसके ऊपर टर्मिनल पर फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं तो जितने स्टेप होते हैं, हर स्टेप में बाई फंक्शन और ट्राई फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। इसलिए हर एक स्टेप इसके प्रीवियस स्टेप से इंडिपेंडेंट होता है, और इसलिए इसको कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन, जिसको डेक्रान भी कहा जाता है। नोट करना, टेरिलिन को डेक्रान भी कहते हैं। बाय द इंट्रेक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथाइलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। देखिए, एथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ई एथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, CH2 ग्रुप OH ग्रुप लग गया, इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। और ये होता है टेरिथाइलिक एसिड, मींस बेंजीन रिंग के पहले और चौथे पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अगर OH ग्रुप लग जाता है, इसको टेरिथाइलिक एसिड कहते हैं। अब देखो, इसमें CWH कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड बाई फंक्शन ग्रुप, OH ग्रुप बाई फंक्शन ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। जब इनका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ए टेरिलीन, या तो डेक्रान जिसको कहते हैं, डेक्रान को सिंथेसिस करता है। अब देखो कैसे करता है, OH CH2 CH2O, अभी इससे जुड़ जाता है बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पर CO, ठीक है, इस प्रकार से सिंथेसिस करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल देखते हैं। तो क्या, तो सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए, पॉलीएमाइड। एमाइड क्या होता है, एमीन और डाई कार्बोक्जिलिक एसिड, एमीन और कार्बोक्जिलिक एसिड का अगर रिएक्शन कराया जाता है, देखो COOH कार्बोक्जिलिक एसिड का NH2 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या होता है, ए यहाँ पर OH यहाँ से बाहर हो जाता है, OH बाहर हो जाता है, और CONH2 बनता है, CONH2 बनता है, ये क्या होता है, अमाइड होता है। तो एमाइड इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, पॉलीएमाइड बनता है। हम उसी को देखने, तो इसके पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन ये क्या बता रहा है, द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डाईएमाइन विथ डाई कार्बोक्जिलिक एसिड और कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड देयर लैक्टम्स। ठीक है, हम लैक्टम भी आगे समझाएंगे। नायलॉन 66 एग्जाम्पल से इसका, नायलॉन 66 हम देखते हैं। नायलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथाइलिन डाईएमीन। हेक्सामेथाइलिन मतलब CH2 ग्रुप 6 रहेंगे, डाईएमीन 2 एमीन ग्रुप होगा, उसका एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर। देखते हैं CH2 6 हेक्सामेथाइल डाईएमीन हो गया NH2, इसका एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है, ठीक है, इसका हम एडिपिक एसिड देखते हैं। एडिपिक एसिड रुको, हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। जो एडिपिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड होता है CH2 यहाँ पर 4, यहाँ पर COOH ग्रुप और ये COOH ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड बोलते हैं, एडिपिक एसिड बोलते हैं। इनका जब कंडेंसेशन होता है 553 केल्विन पर, अब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये क्या बनाते हैं, ये पॉलीमर बनाते हैं, और ये पॉलीमर इस प्रकार से होता है NH CH2 6 NH,
यहाँ पे जुड़ जाता है CO CH2 4 और ACO ग्रुप लग जाता है और एक पॉलीमर बन जाता है, N लग जाता है। ये हमारा हो गया नायलॉन 66। नायलॉन 66 कैसे होते हैं? फाइबर सॉलिड होते हैं। नायलॉन 66 क्या होते हैं? फाइबर सॉलिड होते हैं। इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH ग्रुप और CO ग्रुप होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ग्रुप देते हैं, अगर इससे हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो देते हैं। और दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स आर आल्सो लीड टू द क्लोज पैकिंग चेन्स एंड दस इम्पॉर्ट क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। अब हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टीज का। नायलॉन 66 इज यूज्ड इन मेकिंग सीड ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अब हम नायलॉन 6 को देखेंगे। नायलॉन 6, सबसे पहले नायलॉन को हम समझते हैं। नायलॉन जो होता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, तो न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने इसको मिलकर बनाया था। तो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LO, N, तो ये नायलॉन बन गया। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर। ठीक है, जो नायलॉन 6 होता है वो किससे मिलकर बना? कैप्रोलैक्टम का वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। नायलॉन 6 यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड और फैब्रिक रोप्स के लिए इसका यूज होता है। चलिए हम इसके रिएक्शन देखते हैं। जो नायलॉन 6 होता है इस प्रकार से बनता है। NH साइक्लिक अमाइड होता है, 7 मेंबर होता है, 3 हो गया, 4, 5, 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर CH2। 7 मेंबर रिंग होता है। इसका जब पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, इसको कहते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम कहते हैं, साइक्लिक कैप्रोलैक्टम, साइक्लिक अमाइड को। ठीक है, बेंजिंग रिंग में अगर CONH2, अगर साइक्लिक रिंग में CONH2 ग्रुप लगा हो तो उसको कैप्रोलैक्टम कहते हैं। टेम्परेचर 533 to 543 केल्विन के बीच लेते हैं और यहाँ पे जो बनता है ब्रेक हो जाता है और ये बनता है हमारे पॉलीमर इस प्रकार से CO CH2 5 और NH। ठीक है, ये हमारा पॉलीमर बनता है, NH बनता है, ये पॉलीमर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 इसके कहते हैं क्योंकि 6 मेंबर रिंग से, टोटल 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके पॉलिस्टर के बारे में। तो पॉलिस्टर एस्टर कैसे बनता है? एस्टर कैसे बनता है? अगर आप एस्टर की बात करें तो एस्टर किससे बनता है? कार्बोक्जिलिक एसिड और एल्कोहल का अगर रिएक्शन कराया जाता है तो एस्टर बनता है। अब इसमें पॉलीमराइजेशन आपको देखना है तो क्या होता है? यहाँ पर मिनिमम बाई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो डाई कार्बोक्जिलिक एसिड और डाईऑल होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो डेक्रॉन और टेरेलिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पॉलिस्टर का। ठीक है, इट इज मैन्युफैक्चर बाई हीटिंग, यहाँ से देखिए इस पॉइंट में, इट इज मैन्युफैक्चर बाई हीटिंग ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ऐसा मैंने रिएक्शन पहला देखा, टेरिथेलिक एसिड के साथ 420 to 460 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में एज ए पर। ठीक है, रिएक्शन गिवन अर्लियर। ठीक है, इसके पहले हमने इस रिएक्शन को बताया आपको, एथिलीन डाइकॉल का रिएक्शन इस प्रकार से आपको बताया था, एथिलीन डाइकॉल का रिएक्शन और टेरिथैलिक एसिड का, यहाँ डाइकार्बोक्जिलिक एसिड लग जाता है, इसका रिएक्शन हमने आपको बताया। डेक्राम फाइबर या टेरलिन इज क्रीच रेजिस्टेंट एंड इज यूज इन दी ब्लेंडिंग ऑफ कॉटन एंड वूल फाइबर एंड आल्सो एज ए ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बैकलाइट्स और इसके कंपाउंड, इसके दूसरे पॉलीमर्स को देखेंगे। तो बैकलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉलीमर होता है वो बैकलाइट्स होते हैं। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वेदर एंड एसडी का बेसिक कैटलिस्ट के रूप इसका यूज कर। दीज रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड पैरा पैर हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव्स which further react with phenol to form a compound having rings joined to each other through CH2 groups. The initial product could be linear product which is called nonylac used in paint. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। फिनॉल बेंजिंग रिंग के ऊपर OH ग्रुप लग गया, फिनॉल फॉर्मेलिहाइड एट
HCHO ग्रुप को ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। जब इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड या बेस के प्रेजेंस में, एसिड या बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये आर्थो और OH ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनता है आर्थो पर या बनता है और पैरा पर बनता है। ठीक है, पैरा पर बनता है इस प्रकार से CH2OH, और एक और आर्थो बनता है, डाई आर्थो प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, CH2OH, CH2OH और CH2OH, ये हमारा तीन प्रोडक्ट बनता है। हम इसका यूज करके इनका और इनको बारी बारी से तीनों का यूज करके हम देख सकते हैं। तो हम नेवलैक का देखते हैं, उसके बाद इस रिएक्शन को हम समझते हैं। ठीक है, हम नेवलैक सिंथेसिस देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है बेंजीन रिंग से जो एड होता है CH2OH, इसका हम बेस के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनता है नेवलैक बनता है, जिसका यूज पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है, पेंट पॉलीमर में इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से बनता है CH2, यहाँ पर ब्रिजिंग ग्रुप के रूप में काम करता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नेवलैक कहा जाता है। इसका फिर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCHO के साथ इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें बैकेलाइट मिलता है। बैकलाइट क्या होता है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से ऐसे ही बनता है, बेंजिंग रिंग होता है, CH2 लिंकेज होता है, OH ग्रुप फिनॉल, CH2 लिंकेज, फिनॉल लिंकेज, यहाँ पर CH2 लिंकेज, फिनॉल ग्रुप लगा होता है, CH2 लिंकेज, फिर फिनॉल ग्रुप, CH2 लिंकेज, फिनॉल ग्रुप, इस प्रकार से जो ग्रुप बनता है यही, इसी को हम क्या कहते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं। तो बैकेलाइट किससे मिलकर बना, एल फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन रिएक्शन से हमें बैकेलाइट मिला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेवलॉक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म अ इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बैकेलाइट। इट अब इस, ये क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, मीन्स टेम्परेचर देने पे एक बार एक हार्ड हो गया तो टेम्परेचर देने पे सॉफ्ट होता है, फिर कूल डाउन करने पे एक हार्ड होता है, दोबारा फिर टेम्परेचर पर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। पॉलीमर विच कैन नॉट बी रिफ्यूज आर रिमोल्डेड, दस बैकेलाइट इज फॉर्म बाई क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ द पॉलीमर नोलैक बैकेलाइट। अब देखो यहाँ से पूछा जाएगा पॉलीमर किससे मिलकर बैकेलाइट बनता है, तो नोलैक से मिलकर बनता है। इसका मोनोमर्स क्या होते हैं, फिनॉल होते हैं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इसके मोनोमर होते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, बैकेलाइट से यूज फॉर्म मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम मेलामाइन, मेलामाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं। तो मेलामाइन क्या, इसका जो हम पॉली मेलामाइन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको बनाया जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेलामाइन विद फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तीन नाइट्रोजन होते हैं बेंजीन रिंग में, अल्टरनेटिव NH2 ग्रुप होते हैं, इसको मेलामाइन बोलते हैं। ठीक है, अमाइन मीन्स NH2 ग्रुप, मेलामाइन। इसका HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन जब कराते हैं तो ये मेलामाइन पॉलीमर बनता है। अब इसको आप देखो, NH2 थ्री अल्टरनेट पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगाओ, फिर यहाँ पर CH2 ग्रुप, इसका पॉलीमराइज, पॉलीमर इसका बन गया। ठीक है, NH2, NH2, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एक एग्जांपल होता है, मेलामाइन पॉलीमर ये बन गया। ठीक है, इसका यूज किया जाता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए। अब ध्यान से देखना, को पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो जिसमें एक से अधिक मोनोमर, जो मोनोमर मोनोमेरिक यूनिट होती है, मोर देन वन होती है, अलग अलग डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होती है, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं तो उसको हम कहते हैं को पॉलीमराइजेशन। और इस जो यहाँ पर बनता है पॉलीमर बनता है उसको को पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट्स। को पॉलीमर कैन बी मेड नॉट ओनली बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बट बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आल्सो, दोनों तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें मल्टीपल यूनिट होते हैं, रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है,
और देखना को पॉलीमर है प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी होमो पॉलीमर्स। होमो पॉलीमर्स में एक ही तरीके के मोनोमर्स होते हैं जबकि इसमें एक से अधिक होते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होते हैं, मीन्स स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्यूटाडाइन का स्टेरिन के साथ को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, इसके हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ब्यूटाडाइन CH2 ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन इसका IUPAC नेम होगा। स्टेरिन, स्टेरिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लग जाता है, इसको स्टेरिन कहते हैं। इसका जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, सबसे पहले ब्यूटाडाइन को लिखेंगे ना, CH2 CH CH CH2, बेंजीन रिंग लिखेंगे और CH2। ये ब्यूटाडाइन का, ब्यूटाडाइन स्टीरिन एंड ब्यूनाइल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है आजो टैल्स बनाने के लिए, फ्लोर टैल्स, फुटवियर कंपोनेंट्स और केबल इंसुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हम रबर को देखेंगे। रबर में दो देखना है हमें, एक नेचुरल रबर और दूसरा सिंथेटिक रबर। जो नेचुरल रबर होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है लेकिन बहुत ही कम होती है। इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको इलास्टोमेरिक पॉलीमर कहा जाता है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच। ठीक है, एक क्रॉस लिंक आर इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द चेन व्हिच इज हेल्ड टू पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द फोर्स रिलीज। जो क्रॉस लिंकिंग इसमें कराई जाती है उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि इसमें इसमें सल्फर 5% सल्फर का एडिशन कराने के बाद इसमें वल्कनाइजेशन प्रोसेस इसको कहते हैं और ये क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। सल्फर इसलिए यूज होता है क्योंकि सल्फर है क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी, सो सल्फर इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। जो नेचुरल रबर होता है, ये रबर ट्री के एक लिक्विड निकलता है, लेटेक्स होता है, जो कोलाइडल डिस्पर्सन सोल्यूशन होता है उससे हम पाते हैं, और इसका जो मोनोमर होता है वो नियोप्रीन होता है। लेटेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री व्हिच इज फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका। नेचुरल रबर मे बी कंडेंस एज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है। आइसोप्रीन का IUPAC नेम होता है 2-methyl-1,3-butadiene। एनसीईआरटी बुक में इसका नेम गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 2-methyl-1,3-butadiene, ब्यूटेन 1,3-diene लिखा हुआ है, 2 बार 1,3 नहीं देगा, ये बुक में आपके गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है, अब इसका 2-methyl-1,3-butadiene है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, cis-1,4-polyisoprene कहा जाता है पॉलीमराइजेशन के बाद। इसका हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, CH2CCH3CHCH2 होता है। इसका IUPAC नेम अगर आप बताओगे तो 2-methyl, स्ट्रक्चर से आपको साफ दिख रहा है 2-methyl-1,3-butadiene। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन इसका कराते हैं, इस सिस आइसोमर देता है, केवल सिस पॉलीमर देता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको cis-1,4-polyisoprene कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, CH हाइड्रोजन CH3 CH2, इस प्रकार से इसका सिस फॉर्म में होता है इसलिए इसको कहा जाता है cis-1,4-polyisoprene कहा जाता है। वल्कनाइजेशन प्रोसेस जैसा मैंने आपको पहले बताया, 5% सल्फर को एडिशन करने पर बाई मास, 5% जो सल्फर होगा बाई मास होगा, इसको आप नोट करना, एग्जाम में आ सकता है, बुक में आपके नहीं दिया हुआ है। वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल रबर सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पर और ब्रिटल होता है एट लो टेम्परेचर पर। इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए क्या होता है, इसमें 5% सल्फर मिलाया जाता है, सल्फर को क्रॉस लिंकिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि ये दो रबर के दो लेयर के बीच क्रॉस लिंकिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो वैसे नेचुरल रबर होता है वाटर सॉल्वल, सॉल्वल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर, सल्फर का एडिशन किया जाता है क्योंकि सल्फर क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है, क्रॉस लिंक का सिंथेसिस करता है, इस प्रकार से बनता है इसका स्ट्रक्चर। आफ्टर वल्कनाइजेशन जो रबर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होगा, क्रॉस लिंकिंग दो लेयर के बीच, डबल बॉन्ड यहां से हट जाएगा,
क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेचिंग पावर आ जाएगी, इसके स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, रबर की प्रॉपर्टी और ज्यादा होती है, हो जाती है। अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होता है, यानी वल्कनाइज रबर लाइक पॉलीमर व्हिच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इस लेंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। नेचुरल रबर में ऐसा नहीं होता, नेचुरल रबर 1 to 15% तक स्ट्रेंथ उसमें मैक्सिमम होता है, लेकिन जो सिंथेटिक रबर होता है ये जितना इसका लेंथ होता है उसका 2 times इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सून एज एक्सटर्नल स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिलीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव के जो कोपॉलीमर्स होते हैं वे इसके एग्जाम्पल होते हैं, जो सिंथेटिक रबर जो होता है अभी हम जो यूज करते हैं नियोप्रीन का यूज करते हैं, नियोप्रीन का हम सिंथेसिस देखते हैं। नियोप्रीन CH2 जो आइसोप्रीन में जहां पर CH3 ग्रुप था वहां पर CL ग्रुप रहेगा, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, ठीक है, CH CH2, इसका नाम क्या होगा, सेम नेम होगा, मिथाइल की जगह क्लोरो रहेगा, 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं और हमें सिंथेटिक रबर मिलता है CH2 CH CL CH CH2। ये सिंथेटिक रबर है। अब हम ब्यूना एन को देखते हैं, ब्यूनाक मीन्स या नाम से कंफर्म है कि इसमें ब्यूटाडाइन यूज होगा, और एन के मीन्स कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होगा, तो एक्राइलो नाइट्राइल का यूज किया जाता है, पराक्साइड कैटलिस्ट। पराक्साइड कैटलिस्ट क्या होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जनरेट होगा तो पराक्साइड कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, रेडिकल जनरेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल, 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH2 CH CH CH2, इसका नाम क्या होगा, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसका हम एक्राइलो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 CH CN ग्रुप लग गया, नाइट्राइल ग्रुप। इसका जब पॉलीमराइजेशन हम कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा ब्यूना एन बनता है, इस प्रकार से बनता है CH2 CH CH CH2, और यहाँ पर CH एक पॉलीमर बनेगा और यहाँ पर CN ग्रुप लग जाएगा, इसको कहते हैं ब्यूना एन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूना एन। ब्यूना एन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्राइल ग्रुप लग जाता है, तो ब्यूना का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटा 1,3-डाइन या 1,3-ब्यूटाडाइन इसका नाम होगा, एक्रिलो नाइट्राइल के साथ इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पराक्साइड कैटलिस्ट क्यों यूज होता है, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा, और जो पराक्साइड रेडिकल्स पराक्साइड कैटलिस्ट होते हैं क्या कहते हैं, रेडिकल जनरेटर होते हैं। इसका यूज हम देखते हैं, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है रिस्टेंट एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑयल सेल्स एंड टैंक लाइनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में डिस्कस